बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आपने अपने नेक्स्ट सेमेस्टर के कोर्स कैसे रजिस्टर करने हैं फ्यूरी में, यानी कि स्प्रिंग 21 के कोर्सेस आपने कैसे रजिस्टर करने हैं। जैसे ही आप अपनी फ्यूरी पे लॉग इन होंगे, आपको इस तरह स्क्रीन नजर आएगी, आपने इसको नीचे स्क्रोल कर लेना है। आपको यहाँ पे एक टाइल नजर आ रही होगी, रजिस्टर न्यू कोर्सेस। आपने इसके अलावा किसी और टाइल के अंदर अपने कोर्स रजिस्टर नहीं करने, जैसे लिखा हुआ है कोर्स इन वेटिंग लिस्ट, कोर्स इन विश लिस्ट। यहाँ से कोर्स कभी भी रजिस्टर नहीं होते, आपने अपने कोर्स रजिस्टर करने हैं रजिस्टर्ड न्यू कोर्सेस। इस टाइल को आपने ओपन करना है। इस टाइल को ओपन करने के बाद जैसे ही आप इसको क्लिक करेंगे तो नेक्स्ट स्क्रीन आपके सामने इस तरह नजर आएगी। अभी ये ओपन हो रही है। सबसे पहले आपने क्या करना है, जैसे ही स्क्रीन ओपन हो जाए आपने इस आइकॉन पे आ जाना है, जो फिल्टर का आइकॉन है इसको आपने ओपन कर लेना है। ओपन करेंगे यहाँ पे आपने एकेडमिक ईयर एंड सेशन इसको ओपन कर लेना है, इसको क्लिक कर लेना है। जैसे क्लिक करेंगे यहाँ पे आपने स्प्रिंग 2021 को आपने सिलेक्ट कर लेना है, स्प्रिंग 21 को आपने सिलेक्ट कर लेना है। इसको सिलेक्ट करने के बाद आपने इसको ओके कर लेना है। जैसे ही आप ओके करेंगे आपको अपने कोर्सेस नजर आना शुरू हो जाएंगे। यहाँ पे आपने एक बात का ख्याल रखना है कि जो टाइम टेबल आपको ईमेल किया गया है कोऑर्डिनेशन ऑफिस की तरफ से, वहां सबसे पहले आपने अपने कोर्स कंफर्म करने हैं कि आपके कोर्सेज कौन से हैं वहां पे, क्योंकि टाइम टेबल अंदर बताया गया है कि फर्स्ट सेमेस्टर के कोर्सेज, सेकंड सेमेस्टर के कोर्सेज, किस प्रोग्राम के कोर्सेज हैं। वहां से सबसे पहले आपने अपने कोर्सेज कन्फर्म करने हैं कि आपके कोर्सेज हैं कौन से। तो जैसे ही आप कंफर्म कर लेंगे कि आपके कोर्सेज कौन से हैं, वो क्योंकि इस जगह पे आपके प्रोग्राम के तमाम कोर्सेज आ रहे होते हैं, आप जिस प्रोग्राम के होते हैं, जैसा कि ये स्टूडेंट हमारी एमएस मैनेजमेंट साइंसेज की स्टूडेंट है, तो यहाँ तमाम कोर्सेज जो ऑफर किए गए हैं स्प्रिंग 21 में इसको नजर आ रहे हैं। तो टाइम टेबल के अंदर जैसे ही स्टूडेंट कन्फर्म करता है कि ये वाले मेरे चार कोर्सेज हैं या तीन कोर्सेज हैं या पाँच कोर्सेज हैं, वो सिलेक्ट करने के बाद फ्यूरी पे आके उसको टैली करना है कि मेरे कोर्सेज कौन से हैं। हम एज्यूम कर लेते हैं कि इस स्टूडेंट का जो कोर्स है स्प्रिंग 21 का, वो है परफॉर्मेंस मैनेजमेंट, इसको वो सिलेक्ट करेगा। जैसे ही वो सिलेक्ट करेगा उसकी इंफॉर्मेशन यहाँ पे आना शुरू हो जाएगी कि कोर्स आईडी क्या है, ठीक है जी, और एलिजिबिलिटी बता रहा होगा कि आप इस कोर्स को एलिजिबल है, आप कोर्स को रजिस्टर कर सकते हैं। प्रोग्राम का नाम बता रहा होगा, डिग्री टाइप बता रहा होगा, रिफा कैंपस बता रहा होगा, सेमेस्टर बता रहा होगा, और स्प्रिंग है जैसा कि, और 2021 एकेडमिक ईयर बता रहा होगा। इसको कंफर्म करने के बाद आपने सबसे पहले ये देखना है कि आप किस कैंपस के स्टूडेंट हैं। अगर आप G7 के हैं तो आप G7 का कोर्स सिलेक्ट करेंगे, अगर आप अलमिजान के हैं तो अलमिजान का कोर्स सिलेक्ट करेंगे। समटाइम ऐसा भी होगा कि एक कोर्सेज के कई ग्रुप होंगे A, B, C, D, और आपको अपने ग्रुप का पता है और जिस ग्रुप का वो कोर्स होगा आपने उसी ग्रुप को सेलेक्ट करना है जिस ग्रुप के अंदर आप पढ़ते हैं। तो जैसे आपको कोर्स नजर आना शुरू हो जाएंगे आपने अपने कोर्स को सिलेक्ट करना है। जैसे ही आप अपने कोर्स को सिलेक्ट करेंगे, अगर आप रावलपिंडी के स्टूडेंट हैं, रावलपिंडी कैंपस के स्टूडेंट हैं, ये आपका कोर्स है, आपने सिलेक्ट किया। सिलेक्ट करने के बाद आप देखेंगे यहाँ रजिस्टर्ड का जो बटन है वो हाईलाइट आना शुरू हो जाएगा, आपने इसको क्लिक कर देना है। इसको क्लिक करने के बाद एक मैसेज आएगा आपको, योर रजिस्ट्रेशन फॉर द कोर्स इज कन्फर्म्ड, यानी कन्फर्मेशन का मैसेज आना चाहिए। इसके अलावा कोई और मैसेज आता है तो उसका मतलब है कि आपका कोर्स रजिस्टर नहीं हुआ। तो यहाँ हमें कन्फर्मेशन का मैसेज आया, योर रजिस्ट्रेशन फॉर द कोर्स इज कन्फर्म फॉर 2021 स्प्रिंग, यानी स्प्रिंग 21 के लिए ये कोर्स रजिस्टर हो गया हुआ है। तो इस तरह आपने अपने चारों कोर्सेज, जो आपके कोर्सेज होंगे, आपने उसको जो है रजिस्टर कर लेना है, ठीक है जी। अगर आपने देखना है कि ये मेरा कोर्स रजिस्टर हो चुका हुआ है कि नहीं हो चुका, आपने दोबारा होम स्क्रीन पे जाना है। अब आपने देखना है कि मेरा कोर्स रजिस्टर हो चुका हुआ है कि नहीं हुआ, आपने इसको ऊपर की तरफ स्क्रॉल करना है। तो यहाँ नजर आ रहा होगा रजिस्टर्ड कोर्सेज, यानी वो कोर्स जो आपने रजिस्टर्ड कर लिए हुए हैं, इसको आपने ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद आपने उसी तरह इस आइकॉन से, फिल्टर के आइकॉन से इसको क्लिक कर लेना है। यहाँ से एकेडमिक ईयर एंड सेशन को सेलेक्ट कर लेना है, इसके बाद आपने स्प्रिंग 21 को सेलेक्ट कर लेना है और इसको ओके कर देना है। अब ये बता रहा है कि इस स्टूडेंट ने परफॉर्मेंस मैनेजमेंट का कोर्स रजिस्टर्ड किया हुआ है, क्योंकि स्टेटस आ रहा है बुक्ड, यानी इस बुक्ड स्टेटस का मतलब है कि ये कोर्स रजिस्टर्ड है।
तो इस तरह आपने अपने तमाम कोर्सेज जो हैं वो रजिस्टर कर लेने हैं स्प्रिंग 21 के। वो आपने सबसे पहले अपने टाइम टेबल को कंफर्म करना है कि आपके टाइम टेबल के अंदर आपका कोर्स कौन सा बनता है, उस कोर्स को आपने सिलेक्ट करना है और आपने इस तरह इसको जो है वो रजिस्टर कर लेना है। इस तरह आपने अपने तमाम कोर्स रजिस्टर कर लेने हैं। उसके बाद मैं बात कर लेता हूँ थीसिस वालों की। थीसिस जो है वो फ्यूरी से रजिस्टर्ड नहीं होगा, उसके लिए आपको कोऑर्डिनेशन ऑफिस आना होगा, वहां से एक फॉर्म फिल होता है, वो फॉर्म फिल करने के बाद आपका थीसिस रजिस्टर्ड होता है। उसके लिए आपको फीस सबमिट पहले करनी होती है, एक फॉर्म फिल करना होता है, उसके बाद आपका थीसिस रजिस्टर्ड होता है। तो थीसिस जो है वो रजिस्टर्ड नहीं होगा, उसके लिए आपको कोऑर्डिनेशन ऑफिस में आना होगा और आपको एक ईमेल भी आ जाएगी कि उसका प्रोसेस क्या है। इंशाल्लाह कोऑर्डिनेशन ऑफिस से आपको थीसिस के प्रोसेस के हवाले से एक ईमेल भी आ जाएगी कि आपने अपने थीसिस कैसे रजिस्टर करने हैं। तो इसके साथ साथ मैं आपको बताता चलूं कि कोर्स रजिस्टर करने के लिए आपकी फी क्लियर होनी चाहिए, आप जो है आपका टाइम बार नहीं हुआ होना चाहिए डिग्री का। अगर ये सारी चीजें आपकी क्लियर हैं, फी भी क्लियर है और आपकी डिग्री का अभी टाइम बार नहीं हुआ, तो आप अपने नेक्स्ट सेमेस्टर के कोर्स रजिस्टर कर सकते हैं। मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज़।